पीडीएफ भी भेजा तो मैं चेक नहीं करूंगा, ध्यान नहीं मारता। आपको एक ही पीडीएफ भेजना है और उसी पीडीएफ में मैं चेक करूंगा, एक ही पीडीएफ को चेक करूंगा मैं, डबल पीडीएफ नहीं बना के भेजना है। यू आर टेकिंग माई पॉइंट? स्विच ऑन योर कैमरा ऑल ऑफ यू। अगर आप कैमरा है आपके पास, आप कैमरा ऑन कर दीजिए। Listen, student. Today we will do 3.2 exercise. Mode, I have told you what is mode. You know what is mode? Subject maths. असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और एक वे बना लो, आप केवल असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखो। ओके, वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बट असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटे? सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और फिर मिड वैल्यू जो होगी वो क्या होगा? मीडियन होगा। मिड वैल्यू आप जान सकते हो, आप पता लगा सकते हो मिड वैल्यू कौन सी होगी, एंड यू कैन फाइंड आउट मीडियन ऑफ दिस क्लास, मीडियन ऑफ दिस क्लास। लिसन, there are three things. First is mean, another is mode, और third is medium. ये तीनों जो होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, ये सेंटर वैल्यू के आसपास, सेंटर वैल्यू के आसपास लाई करती है तीनों चीजें, मीन, मोड और मीडियम। अब हम जो 3.2 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में मीन भी निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे और मीडियम भी निकालेंगे। अंडरस्टूड? नाउ यू कम 3.2 एक्सरसाइज। 3.2 को आज कंप्लीट करेंगे हम 11 बजे तक। आई विल टेक द हेल्प ऑफ यू पीपल। आपसे मैं हेल्प लूंगा, आपसे सॉल्व कराऊंगा मैं। ओके सर, ओपनड 3.2 एक्सरसाइज। 3.2
Some 2-3 question I will solve, then I will ask from you people. The score of mathematics test out of 25 or 15 students are given below. I am writing 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. First of all, count it is 15, 3, 6, 9, 12 or 15. 15 values are there. Abhi se main inko, Anjali, don't talk anywhere. अभी से मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। आई विल, सब लोग कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए सब। आई विल राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम है इधर 5, 1 only 5, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 12 के बाद 16, 15 है, फिर 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 दो बार है, एक ये, चार बार है 20, 20, 20, चार बार है तो चार बार लिखना है, 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स ही लिखना है, 10, 21 है नहीं, 23 है, 21 के बाद 23 है, 23 एक ही है, 24, 1, 25 दो है, 25 आपने टिक मार्क तो कर लिया, उसके बाद भी आप काउंट करिए कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 वैल्यूज आ गई, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया उसने। ओके, इज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैं यहां पे अभी मीडियन निकालूंगा, क्योंकि अभी मैं मीडियन निकाल रहा हूं। वैसे देखो, मीडियन जो होता है ना, आप वैल्यूज काउंट करिए, मतलब ये आपकी जो वैल्यूज है वो ओड नंबर में मिलेगी, ओड नंबर में मिलेगी वैल्यूज। 15 इज ओड नंबर ना, 15 वैल्यूज है, तो मीडियन जो होगा वो होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये क्या होगी, ये क्या होगी, मीडियन होगी, इतनी वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो, जैसे 15 है तो एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा बेटा, 16, 16 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आया 8th वैल्यू, 8th वैल्यू फाइंड आउट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यू क्या है बेटे, 20, तो मीडियन क्या होगा बेटे, 20 होगा। जैसे अगर 7 टर्म्स हैं, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, 8, और फिर 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4th जो वाली टर्म होगी वो क्या होगी बेटे, मीडियन होगी। अंडरस्टूड, जितनी नंबर ऑफ टर्म जो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, वो मिडिल टर्म निकल जाएगी। ओके, सो द मीडियन इज 20। व्हाट इज मोर, कैन यू टेल मी मोर, तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, व्हाट इज 24 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यही होगा मोर, मोर 20 होगा ना। नाउ यू प्लीज फाइंड आउट मीन, अब इसका मीन मेरे को निकाल के बताइए, फटाफट निकालिए, मेरे को इनका सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 15।
एडिशन बताओ कितना होगा मेरा? आई डोंट वांट द आंसर, आई वांट एडिशन। और आपको हर एक क्वेश्चन में तीनों चीजें निकालनी है, मीन, मोड, मीडियम। Now, can you hear me? इनका एडिशन कितना होगा? एडिशन इतनी देर हो गई आप निकाल ही नहीं पाए। I am asking how much addition in सबको ऐड करो। और डिवाइड, अरे एडिशन कितना होगा? मैं बाई नेम पूछूंगा ना। हर्षिल लिख रहा है, हर्षुल लिख रहा है 83 एडिशन 39। भाई वाह, इसका एडिशन 39 लिख रहा है, बताइए आप क्या बताएं? मेरे को लग रहा है इसका एडिशन 263 डिवाइडेड बाय 50। एवरेज तो निकालना है सर, एडिशन इज 263, एडिशन 263 डिवाइडेड बाय 50। See how much it is coming if you divide 263 by 15. Find out. Mean nikalo. लिख सकते हो आप, 17.53 भी लिख सकते हो। ओके, सो मीन यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, हर एक क्वेश्चन का आपको मीडियन, मोड और मीन निकालना है हर एक क्वेश्चन। आप देखो देखो, मीडियन और मोड इक्वल है ना, और मीन भी इसके आसपास ही है, 17 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, सेंटर पॉइंट के आसपास है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। राइट सर, आप फटाफट क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, आप फटाफट क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए। 3.2 इसमें एक क्वेश्चन पूछा, आर दे सेम? नो, ये सारे सेम नहीं है। आई रब इट दिस वन, अरे रब कर दे। यस सर। Yes sir. Yeah, come to question number 2. Dharam scored in cricket match. Yes sir. 11 players are as follows. Ab main ye pehle runs likh raha hu. 7, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8,
टेन, इसमें भी तीनों चीजें निकालनी है, मीन, मोड, मीडियन। पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, लोएस्ट वैल्यू इज फाइव, हाईएस्ट सिक्स है, सिक्स है, सिक्स, देन टेन टू टाइम्स, देन आफ्टर टेन फिफ्टीन इज देयर, फिफ्टीन जो है थ्री टाइम्स है, टेन जो है टू टाइम्स है, सिक्स पर टाइम है, फिफ्टीन के बाद। सर आपने जो सिक्स लिखा है ना असेंडिंग ऑर्डर में, उसके सिक्स के बाद एट भी आएगा, फिर टेन आएगा। एट भी है ना, वेरी गुड, अबे आपने ध्यान रखा भाई, एट भी लिख दूं मैं, ओके। हां मैंने गलती करी, एट लिखा तो हुआ है, एट तो लिखा हुआ है। चलो फिफ्टी भी लिख दिया मैंने, फिफ्टी के बाद 80, 80 के बाद 100, और फिर 120। देखो पहले इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लेयर्स हैं, 11। अच्छा अब मेरे को ये बता दो, पहले तो अभी बोल के बताना मेरे को, ये तफसील केदार कौन है? तफसील केदार स्विच ऑन योर कैमरा, तफसील, तफसील ये कितनी टर्म्स है बेटे? 11 है ना, 11 टर्म्स हैं। ओके यू आर इन पीसी, तो मेरी आवाज सुनिए, ये 11 टर्म्स हैं, इसका मीडियन कौन सी टर्म होगी मेरे को बताओ, मीडियन कौन सी टर्म होगी? मीडियन के बारे में बात कर रहा हूं भाई, 11 टर्म्स है तो 11 प्लस 1 करो, कितना हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो जो 6 टर्म होगी वो मीडियन होगी, मिडल पोर्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मीडियन कितना होगा बेटा इसके, 15, मीडियन क्या होगा 15, और मोड क्या होगा, ये दोनों चीजें एक तो निकाल सकते हो ना, मोड भी 15 होगा, की पर रिपीट हो रहा है ना 15, एंड व्हाट इज मीन, अब मीन मेरे को बताइए कितना होगा, एडिशन बताओ कितना होगा, एडिशन फटाफट ऐड करा करो, एडिशन के अंदर बहुत जल्दी ऐड करा करो, ये नहीं बैठे रहते हो मेरी शक्ल को देखोगे, ऐड करो ना फटाफट, और ये सब बच्चे कैमरा ऑन करके रखा करो, घर वालों से किसी से बात नहीं करना है आपको, आप मेरे साथ इन्वॉल्व रहिए, 429 ये एडिशन देर का बता रहे हैं, 429 डिवाइडेड बाय 11 आई थिंक मीन इज 39, मीन इज 39, मीन इज 13। उत्कर्ष ये क्या कर रहे हो बेटा, आलो भी स्विच ऑन योर कैमरा, आई हैव फाइंड आउट मीडियन मोड एंड मीन, तीनों मैंने एकदम निकाल दिए सबके, हैव यू नोटेड? यस सर, नोटेड सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट, मेरे को ये 11 बजे तक एक्सरसाइज खत्म करना है, नोट डाउन करिए इसको, नोटिंग सर, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, फिफ्टीन स्टूडेंट्स क्लास वेट, उनके वेट क्या क्या है, वो लिखे हैं, 15 बच्चों के वेट लिखे हैं, 38, 42,
पहला 25 करना पड़ेगा 16 डिवाइडेड बाय 2 8 वाली कम 1 2 3 4 5 सर 14 मीडियन कितना होगा 40 अच्छा मोर 38 हैं 38 नहीं 43 दो मोड होंगे यहां पे दो कल बोला था ना मैंने 38 एंड 43 हां 38 एंड 43 एंड ओके 43 सर अब आप निकालिए मीन वैल्यू निकालो आप निकालो पहले सम बताइए सर सम इज 607 कौन बोल रहा है सर सम इज 607 Divided by the sum is 615. 40 point something आएगा ना? निकालो फटाफट इसको. Six hundred seven ही आएगा ना? Right, sir? Like this it will come. So you can write the median, mode and
मी दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री आई विल नॉट इट ऑल ऑफ यू तुमने नोट डाउन किया नोटेड सर नोटेड सर नोटेड सर देखो इसने हमने तो मीन निकाल लिया इसमें मीन तो पूछा भी नहीं था इसने पूछा था क्या क्या मोड और मीडियम और ये पूछा था इज देयर अ मोर देन वन मोड तो क्या लिखोगे यस ठीक है ना अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है इसने फाइंड द मोड एंड मीडियम अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइए मैं इसमें डाटा लिख देता हूं ऊपर यू आर नोटेड दिस वन I am writing the data 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. इसने केवल मोड और मीडियम बोला है अब मेरे को बराबर बताओ इसका क्या फटाफट इसका नाम बोलूंगा वही बोल रहा है I will ask you have to find out mode and median. Only 28 students are online. Mode and median. इसका नाम बोलूंगा वही वही मेरे को आंसर देगा अजरम शेख कैमरा ऑन करो अजरम अजरम कैमरा ऑन करो अच्छा लड़की मैं कर अजरम टेल मी मोड कितना होगा बेटा सर 14 13 नहीं सर 14 अरे आपने 14 बोला 13 बोला है बेटा सर 1414 वेरी गुड You have done a correct answer. मेरे को लग रहा है करेक्ट दिया है ना बोलो सब करेक्ट है या नहीं है सर करेक्ट करेक्ट ओके 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 डोंट मेक द नॉइस आज ही मैच देखिए मीडियन 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 मैं पूछ रहा हूं हिरल मोरिया हिरल मोरिया स्विच ऑन योर कैमरा मीडियन बताना है हिरल अरे हिरल ने तो 19 बता रहा मीडियन जो 19 होगा अरे हिरल तुम्हारे पास बोल नहीं सकते क्या आप माइक वगैरह नहीं है क्या आपके पास हिरल मीडियन हिरल 19 बता रहा है भाई 19 सही है क्या मेरे को नहीं लगता गलत है मेरे को लगता नहीं है सही है 19 सर सर इनकरेक्ट सर इनकरेक्ट सर इनकरेक्ट ये सही नहीं लगता मेरे को गलत बोल रहा है वो यस सर इट इज इनकरेक्ट रॉन्ग It is wrong, sir. अभी मैं दूसरे से पूछ अभी दूसरे से पूछ रहा हूँ ये बताओ नैतिक पात्रा नैतिक स्विच ऑन योर कैमरा नैतिक नैतिक स्विच ऑन योर कैमरा क्लास में नहीं है मेरे को लग रहा है नैतिक आई थिंक इसी ही इज नॉट इन द क्लास मैडम इसकी ऑप्शन लगाओ नैतिक सेवन
अच्छा दूसरा आप बताइए, कनिष्क, कनिष्क बोलो, कनिष्क स्विच ऑन योर कैमरा, कनिष्क ये भी अब्सेंट है क्लास है, नैतिक और कनिष्क अब्सेंट है, भाविका, भाविका बोलो, भाविका यस सर, हाँ बोलो बोलो क्या होगा, मीडियम क्या होगा, या इनको किसी को नहीं मालूम क्या करते हैं, कैमरा ऑन कर सर, आई नो द आंसर, कितना गलत है ये, दो दो मीडियम नहीं होते हैं पागल, कौन है ये दो मीडियम बता दिए, दो मीडियम ये कौन है, ये दो मीडियम होते हैं क्या कहीं, मोड दो, हाँ कुमुद गुप्ता, कुमुद गुप्ता बताओ बेटा मीडियम कितना होगा, यस सर सर 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 14 ही आएगा, यस सर सब लोग गलत बता रहे हैं, ये बताइए इनको मीडियम कितना होना चाहिए, 14 होगा, 1 को ओके, 3.2 एक्सरसाइज पूरी करना है, स्टेप थ्रू एंड पास अपने आप लिखना है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टाइम हो गया, ओके थैंक यू सर, आई हैव कंप्लीटेड ट्रू एंड फॉल्स, वो तो इजी होंगे।